मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट में परचम कुशाई तकरीब का इनेकाद किया गया और साबिक वजीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने इस तकरीब में शिरकत भी की। बुजुर्गों, भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आज पूरी पाकिस्तानी कौम को वतन अजीज के 74वें यौमे आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जश्न आज़ादी पर अपने इर्द गिर्द सब्ज परचमों की बहार देखकर दिल खुशी से माला माल भी है, मगर दूसरी तरफ दिल में चुपता हुआ एक सवाल भी है कि कितनी लाजवाल कुर्बानियों के नतीजे में नेमत खुदाबंदी की शक्ल में आज़ादी की सुबह देखनी नसीब हुई, मगर शायद हमने बहसियत कौम इस कीमत का हक उस तरह अदा नहीं किया जैसा कि हमें करना चाहिए था। मैं अपनी चश्मे तसव्वुर से देखता हूं कि हमारे मोहसिन, हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसे कि तस्वीर के फ्रेम से उतरकर हमारे साथ आ बैठे हैं और बड़ी शफकत से हमें कह रहे हैं इट इज नेवर टू लेट। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, उठ खड़े हो, यकीन इत्तेहाद और तंजीम को अपना लो। मुझे यकीन है कि हर पाकिस्तानी में एक ऐसा सच्चा जज्बा होगा कि वो अपनी और इस कौम की तकदीर बदलने के लिए उठ खड़ा होगा। शायरे मशरक ने क्या खूब नुक्ता बयान किया था, फितरत अफराद से अगमाज भी कर लेती है, कभी करती नहीं मिल्लत के गुनाहों को माफ। हम खुश नसीब हैं कि हमारे पास कायद के दिए हुए रहनुमा अल्फाज भी हैं और इकबाल के अजीम अफकार भी। ऐसी कौम को सफ़े अव्वल में नुमाया होना चाहिए और इंशाअल्लाह हम ऐसा बनकर दिखाएंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। जश्न आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।